बस थैंक यू सो वेरी मच एडम, थैंक यू सो वेरी मच। देखो इसमें क्या लिखा है, इस स्तुति को सुनकर शिव जी ने राजा से कहा, भोजराज आप महाकालेश्वर स्थान के वाहिक नामक भूमि प्रदेश में जाइए, वो भूमि मलेच्छों द्वारा दूषित हो रही है। अच्छा यहाँ पे देखिए, मलेच्छों द्वारा दूषित हो रही है मतलब मलेच्छ जो है ये गंदे लोग है, दूषित करना यानी गंदा करना, खराब करना, कौन कर रहा है, मलेच्छ कर रहे, यानी मलेच्छ जो है ये गंदे लोग है, ठीक है। और उसने क्या कहा मोहम्मद साहब को, मलेच्छ से कंपेयर किया है, ठीक है। जितने लोग सुन रहे गौर से सुनना, इसी से हमने उस दिन सैयद अली की आंख खोली थी, फिर वो रेफरेंस आज तक नहीं ला पाई। तो एक बात तो तय हो गई कि मलेच्छ जो है ये गंदे इंसान है, ठीक है। और शिव जी बोल रहे हैं कि इसको भोजराज, जो वर्ड है वो मल से आता है, मल बोले तो टट्टी, टट्टी। अच्छा उस भीषण, अच्छा यहाँ पे जो मतलब कोर वर्ड है उसका अर्थ जो है गंदा, वो हाँ, जो मल हिंदी में, हाँ जी जी जी, मल मूत्र वाला मल ही आएगा ना, मलेच, हाँ एग्जैक्टली। अच्छा उस भीषण वाहिक प्रांत में आर्य धर्म नहीं है, यहाँ बलि दैत्य से प्रेरित यही त्रिपुरासुर पुनः आ गया है। इस जगह पे कौन आ गया है, त्रिपुरासुर आया है फिर से, पुनः यानी फिर से जी, फिर से, ठीक है। जिस महामायावी को मैंने भस्म कर दिया था, क्या बोल रहे हो शिव जी, क्या बोल रहे हैं, पहले उसको मैंने मार दिया था, हाँ मार दिया था, खत्म कर दिया था, अब वो फिर से आया है। अच्छा वो अयोनी से उत्पन्न श्रेष्ठ एवं दैत्य वंश का वर्धक है, ठीक है। किसका वर्धक है वो, दैत्य, दैत्य भी गंदे लोग ही होते हैं, डेमन राइट, राक्षस जी। महामद उसका नाम है, क्या नाम है उसका, महामद, मतलब ये गंदे प्रवृत्ति का जो बंदा है, जो एंटिटी है, जो पर्सनालिटी है, जो त्रिपुरा, उसका पहले नाम क्या था, त्रिपुरासुर, वो अभी क्या नाम से आया है, महामद नाम से आया, उसका नाम महामद है, जो सदैव पिशाच कर्म ही करता रहता है, जो हमेशा गलत काम करता रहता है। अतः राजन तुम इस धूर्त एवं पिशाच के प्रदेश में मत ठहरो, मेरी कृपा से तुम्हारी शुद्धि हो जाएगी। तो इतने सेंटेंस से ही इतना समझ में आ गया कि यहां पे जो महामद है वो एक राक्षस है, डीमन है, असुर है। और इसी का हवाला दिया किसने, डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने। आई होप के सभी लोग जितने सुन रहे हैं इंक्लूडिंग मुस्लिम्स और जो बैक स्टेज में जितने मोमिन हजरात है, ये हवाला हमने आपके सामने पेश कर दिया, जिसका हवाला डॉक्टर जाकिर नायक साहब दे के कहा कि मोहम्मद साहब का जिक्र भविष्य पुराना में, ठीक है। अभी हम कौन जुड़ा, ये एमडी फरमान साहब, हेलो। अच्छा एक मिनट, एक एक अभी जैसा ये बहुत से लोग इस तरीके की बात लिखते हैं कि भविष्य पुराना जो है वो सही नहीं है, भाई सवाल यहां पे ये नहीं है कि भविष्य पुराना ऑथेंटिक है या नहीं ऑथेंटिक है, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि डॉक्टर जाकिर नायक ने उसको हवाला बना के मोहम्मद साहब को साबित करने की कोशिश की है। और इवन ऑथेंटिक नहीं भी है तो भी नेगेटिव पर्सन है मोहम्मद, नेगेटिव पर्सन है। अगर जाकिर नायक उसको उनसे कंपेयर कर रहा है, यानी रसूलुल्लाह को अगर इससे कंपेयर कर रहा है, इररिस्पेक्टिव वो ऑथेंटिक है या नहीं है, जाकिर नायक के लिए तो ऑथेंटिक है, उसने क्यों कंपेयर किया, ठीक है भाई लोग। हाँ भाई exactly. मैं एक छोटा सा छोटी सी उपमा रख देना चाहता हूँ कि मान लीजिए एक कहानी की भी किताब है, बिल्कुल ऑथेंटिक नहीं है, ठीक है, चंपक नाम है उस कहानी की किताब का, उसमें मैंने कहा कि आपके पिताजी के बारे में वहां पे वर्णन किया गया है, जब वो कहानी जाके आप पढ़ते हैं तो उसमें लिखा जाता है कि आपके पिताजी के नाम से एक व्यक्ति वर्णित है और उसे चोर कहा गया है, धूर्त कहा गया है, तो मैं आपके पिता की बेइज्जती ही कर रहा हूँ ना, अगर मैं कह रहा हूँ कि उसकी पुस्तक में आपके पिताजी के बारे में लिखा है। तो जो भी हमारे आर्य समाजी भाई हैं, हाँ पुराण नहीं ऑथेंटिक सोर्स है, हमारे परम प्रमाण नहीं है, लेकिन लिखा तो है ना, और क्या लिखा है हम उसकी बात कर रहे हैं जी।
थैंक यू सो मच ब्रह्म राक्षस भाई जी। एमडी फरमान साहब मोमिन है आप? नहीं जी। नहीं जी क्या है? हेलो क्या है? मैं एक मुसलमान हूँ, सीधा साधा सिंपल। अरे वाह ये कैसा जवाब है यार, मुसलमान है नहीं है क्या है? मैं एक मुसलमान हूँ सीधा साधा। मोमिन वो होता है जो पढ़ा लिखा होता है। हाँ पढ़ा लिखा होता है वो होता है मोमिन। अच्छा आपसे मुसलमान है मतलब ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बस ये है कि सीधा साधा सिंपल हूँ। अरे मुसलमान है या नहीं है? मुसलमान तो है ही है। नमाजी माजे पढ़ते हैं? हाँ, नमाजी पढ़ते हैं इंशाल्लाह। कोई सूरा सुनाए? कौन सी बात, बस दो चार सूरह ही आती है मेरे को, सुना दे दो दो चार या सुना दे। चार ज्यादा पढ़ा रहे। एक तो आती है सबसे छोटी, चारों को चार कुल आते, सुनाओ फटाफट चार कुल। कुल हु अल्लाह वाद, अल्लाह उस समद, लम यलिद वलम युलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। और कौन सा रुकना नहीं आगे आप बोलते बताओ। जाओ। अच्छा वो कुलिया अय्युहल काफिरून ला ताबुदू मा ताबुदून वला अना आबिदुम मा बत्तुम वला अंतुम आबिदून मा अबुद लकुम दीनुकुम वलिया दीन। ओके कुल आउज़ु रब कुल आउज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रिल मा खलक मिन शर्रि गासिकिन इजा वगब व मिन शर्रि नाफ़सातिन फिल उक़द मिन शर्रि हासिदिन इजा हसद। ठीक है आप वाकई में बहुत कम पढ़े लिखे मुसलमान है। स्ट्रीम हाँ क्यों थोड़ा ज्वाइन बहुत किया आपने? बस सर जी, बस ये है मैं ये एक बात बोलना चाहता था जी आपसे। जैसे आपका जो अपना व्यू है, जैसे आप एक्स मुस्लिम हो और कोई, बस ये मैं एक बात बोलना चाहता, जैसे किसी भी धर्म के और किसी भी मजहब के जो मतलब अच्छे इंसान है, जैसे मोहम्मद साहब हुए, शिव जी हुए या राम जी हुए, इनको गाली नहीं देनी चाहिए जी। लेकिन बस यहाँ पे मेरी आप इतनी रिक्वेस्ट थी आप। जी फरमान साहब यही सेम पॉइंट हमारा है। हाँ यही सेम पॉइंट हमारा है। जाकिर नायक ने यहाँ पे डीमन कहा है भैया रसूलुल्लाह को, हम तो उसकी लानत भेज रहे हैं यहाँ पे बैठ के। वो गलत है, अगर उसने कहा है तो वो गलत है, तो क्या किया जाए? वही चीज नायक जी तो उसको डिनाई करना चाहिए ना उसको। देखो अगर वो देखो गुस्ताखे रसूल है तो अपने देश से भागा हुआ है। अपने देश से अच्छे एक चीज बताओ आप, शरीयत में भी हमने, मैं ज्यादा पढ़े, एक सेकंड मेरी बात पूरी होने दीजिए। शरीयत में लिखा हुआ है कहीं पे भी लिखा हुआ है शरीयत में, मुझे नहीं पता लेकिन मैंने सुना भी है, सुना ही है ज्यादातर तो, कि जिस देश में रहते हो उस देश का ही कानून। ये सवाल नहीं है, फरमान 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 चालाकी नहीं, गुस्ताखे रसूल थोड़ी में कर रहे हो आप। गुस्ताखे रसूल के बारे में आपने क्या सुना है? गुस्ताखे रसूल के बारे में तो यही है जी कि जो गलत आदमी है, फिर तो गलत बात बोल गया। अब क्या सुना है उसके बारे में? गुस्ताखे रसूल के साथ क्या करना चाहिए या क्या किया जाता है उसके बारे में, ये क्या सुना है आपने? वह जी उस टाइम पे तो जी जब गुस्ताखे रसूल हुआ करते थे उस जमाने में। एमडी फरमान हाँ जैसे नुपुर शर्मा के बारे में आपको पता है? हाँ जी क्या हुआ वो था? भी गलत था जी, वो भी गलत था। क्या गलत था? मैं उस चीज का समर्थन नहीं करता जी के जो नुपुर शर्मा के साथ हुआ, और जी ये जो भड़काऊ बयान होते हैं ये सब गलत है। एमडी फरमान एक मिनट, आपको तो इल्म नहीं है ठीक है कि हाँ हदीसों में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, ये तो आपको पता नहीं है ना? हाँ जी थोड़ा बहुत पता है, बस ये है कि सुनी की नहीं बातें। हाँ तो ये आपने कैसे तय कर लिया कि जो नुपुर शर्मा के बारे में ये कह रहे थे कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा सरतन से जुदा सरतन से जुदा, ये गलत कह रहे थे, ये कैसे आपने तय कर लिया जब आपने हदीसों को पढ़ा नहीं, आपको कुछ पता ही नहीं इस्लाम का? और कोई नॉर्मल इंसान नहीं, एक मिनट रुको, नॉर्मल इंसान नहीं, नॉर्मल नॉर्मल मुसलमान तो चिल्ला ही रहे थे साथ साथ में। आलिम लोग भी कई जगह पे वीडियोस वायरल है, आलिम लोग भी पुलिस के सामने ये नारा लगा रहे थे कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा सरतन से जुदा सरतन से जुदा।
तो जब आपके उलमा भी बोल रहे हैं उसको, तो आपने ये कैसे समझ लिया कि ये गलत है और आप क्यों उसका समर्थन नहीं कर रहे? हाँ जी, वो गलत है इसलिए तो पिट रहे थे जी वो बाद में। हाँ क्या हुआ? वो गलत था इसीलिए तो पिट रहे थे वो बाद में, फर्जी लोग, फर्जी लोग जो होते हैं इसीलिए तो पिटते हैं फिर। एक मिनट, जिस आलिम ने ये कहा था कि गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा सरतन से जुदा, क्या उसने आके फिर से ये कहा कि नहीं मैंने जो कहा था गुस्ताख रसूल की एक ही सजा ये मैंने गलत कहा था, इस्लाम के हिसाब से नहीं कहा था? क्या उसने कहा ये बात? उसको कहना चाहिए था ना। क्यों कहेगा जब वो इस्लाम का हिस्सा है तो वो क्यों कहेगा कि मैंने गलत कहा? आपको इस्लाम पता नहीं है लेकिन आपने ये कैसे तय कर लिया कि उस आलिम ने गलत कहा था? गलत किस बेसिस? लो जी, एक सेकंड। आज के टाइम पे सोशल मीडिया का बहुत जबरदस्त जमाना है जी। आदमी सोच समझ के बहुत सोचना समझता है अपने हिसाब से भी। मतलब आप एक मिनट, फरमान, आप एक एक बात जो बोलोगे ना उसमें मैं सवाल उठाऊंगा। मुझे ये बात बताइए, आप सोशल मीडिया के जमाने में हैं, यानी आप कुरान और हदीस के हिसाब से नहीं चलते बल्कि आज के जमाने के हिसाब से चलते, राइट? अच्छा एक सेकंड जी, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। नहीं, पहले इस सवाल का जवाब देना आप। नहीं, इसी सवाल में आपको जवाब मिल जाएगा जी। ठीक है जी, सवाल का जवाब दीजिए कि आप सोच समझ के चलते हैं या कुरान हदीस के हिसाब से चलते हैं, बीइंग अ मुस्लिम? हाँ दोनों हिसाब। एक सेकंड, मेरी बात पूरी नहीं हुई जी, मैं अभी बात तो पूरी करना था। नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखो, या तो आप, आपने तो एक सेकंड, आपने तो हमारा काम, आप क्या इस्लाम है ना, वो हमारा काम कर दे, एक तरफ कुआ एक तरफ नहर। हाँ बिल्कुल, ये बात आपने सही कही है कि एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, ये इस्लाम आपको इस मोड़ पे लेके आ जाता है, क्योंकि जैसे ही आप इस साइड पलटोगे तो वहां पे आप एक कट्टर साबित हो जाओगे, और जैसे ही इस साइड पलटोगे आप इस्लाम से बाहर निकल जाओगे। ये आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन आप सवाल किया गया है मेरे, वो ऐसा हो गया है कि एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई, लेकिन आपको कुछ ना कुछ तो सिलेक्ट करना पड़ेगा, या तो इस्लाम या तो इस्लाम के बाहर। अब आप तय करो। तो हमारा तो जी इस्लाम ही है जी, लेकिन वो वाला इस्लाम नहीं है जी के नहीं, गुस्ताखे रसूल की सजा जो है मैं बता रहा हूँ उस टाइम। हाँ। वो टाइम था, अगर हम शरीयत के हिसाब से चलते हैं तो 1400 साल पुराना कानून लाना पड़ेगा। वहां पे भी नहीं लिखा होगा कहीं पे कुरान शरीफ में, या कहीं पे भी इस्लाम नहीं चलता ना। अभी मैं आपको एक हदीस बता दूंगा कि एक तो जो इस्लाम छोड़ दे उसको भी मार दो, और जिसने गुस्ताखी की है उसको सहाबी ने कत्ल किया, और रसूलुल्लाह ने कहा कि इसकी कोई सजा नहीं है। जिसने उसको कत्ल किया उसके बारे में रसूलुल्लाह ने कहा कि इसकी कोई सजा नहीं, जो कत्ल किया गया उसके बारे में रसूलुल्लाह कहा कि इसके खून का कोई बदला नहीं। तो ये तो मैं आपको हदीस से कुरान से ये सारी चीजें साबित कर सकता हूं। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप ये आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि 1400 साल पहले होता था, मतलब आज की तारीख में इस्लाम जो है वो वैलिड नहीं है, आउटडेटेड है, आप ये कहना चाह रहे हैं? आज की तारीख में, मेरी बात, आज की तारीख में पहले कोर्ट नहीं होती थी, अदालतें नहीं होती थी। मानते हो ना इस बात को? पहले कोर्ट अदालतें होती थी, जमहूरियत और प्रधानमंत्री नहीं होते थे, पहले कबीलों में और कस्बों में बटे हुए होते थे। सुनो, एमडी फरमान, पहले के दौर में भी कोर्ट भी होती थी, अदालतें होती थी, जज होता था फैसला करने वाला, वो देखकर फैसला करता था कि किसको क्या सजा मिलेगी। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या इस्लामिक कानून आज की तारीख में, एक सेकंड जी, मेरा सवाल सुन लो। हाँ जी, क्या इस्लामिक कानून, जैसे हाथ काटना है चोर के, जो गुस्ताखी करे उसको कत्ल कर देना है, जो इस्लाम छोड़ दे उसको कत्ल कर देना है, क्या ये सारे जो कानून है इस्लाम के,
क्या आज के दौर में इसको लागू किया जा सकता है, क्या ये बेहतर है सोसाइटी के लिए या नहीं है? कुछ कानून ऐसे होते हैं जो बेहतर होते हैं जी। क्या चोर के हाथ काट देना ये बेहतर कानून है आपकी नजर में? बिल्कुल एकदम बेहतर है। अच्छा, अगर आपका अच्छा, बेटा चोरी कर ले, आपका बेटा, सुन लो, आपका 16-17 साल का बेटा आपके घर से चोरी कर ले 1-2 हजार रुपया। मेरे घर से? मेरे घर से चोरी क्यों करेगा? उसे जब जरूरत होगी वो ले लेगा। अरे करते हैं ना भाई, बहुत से लोग करते हैं चोरी घर से। इतने तो बेवकूफ नहीं बनो ना यार, इतने बेवकूफ नहीं बनो। मैं इसका जवाब देता हूँ, इसका जवाब देता हूँ आपको इसी का ही। मैंने सवाल पूरा ही नहीं किया। तरबियत दोगे ना बच्चे को, वैसा ही बनेगा वो। हाँ ठीक है, आपने अच्छी तरबियत दी, उसने दोस्ती की किसी के साथ और वहां से चोरी सीखा उसने, या उसको पैसे की जरूरत लग रही है, उसने बताया नहीं आपको, आपके घर से उसने, मान लो नहीं करता है आपका बच्चा तो ये अच्छी बात है, लेकिन मान लो कि आपका बच्चा आपके घर से 5,000 रुपया चोरी कर लेता है, क्या उसके हाथ काट देना चाहिए? वो तो एक सेकंड, उसके हाथ जब कटेंगे ना, जब वो सऊदी अरब में होगा, जहां से जहां जिस भाई का कानून लागू होगा, जहां पे शरीयत लागू होगी वहां पे कटेगा। आप सऊदी अरेबिया में, हिंदुस्तान में काटोगे? एमडी फरमान, आप सऊदी अरेबिया में है या आप समझिए कि इंडिया में शरिया नाफिज हो गया, आप इंडिया में रहते इंडिया हो। में शरिया नाफिज, एक सेकंड में, पहली बात तो आपकी ये गलत फहमी है कि जिंदगी में, एमडी फरमान मेरी बात पहले अच्छे से सुन लो, मान लो कि इंडिया में शरिया नाफिज हो गया या आप सऊदी में चले गए या सऊदी में आप पैदा हुए थे, ठीक है, आपके बच्चे ने आपके घर से 5,000 रुपया चोरी करके लेके गया, दोस्तों में उड़ा दिया, और ये कॉमन है, होता है, बच्चे लोग कर लेते हैं, ठीक है, क्या आपके बच्चा जो 15-16 साल का है, क्या उसके हाथ काट देना चाहिए? इस पे मैं आपको जवाब देता हूँ, वो अपने घर से लेके गया, ठीक है, हाँ हाँ, और अगर वो बाहर से करता है, किसी बाजू वाले का करता है, गैर घर वाले से करता है, पड़ोसी का करता है, तो पड़ोसी का करता है, तब उस पर सजा लाजिम हो जाती है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपका 15 साल का बच्चा अगर पड़ोसी के घर से 4-5 हजार सजा लाजिम हो जाती है, तो उसका हाथ कट कर देना चाहिए, सजा लाजिम हो जाती है उस पे। तो आपके बेटे का हाथ करेगा नहीं? एक सेकंड, मेरी बात, एक मिनट, अरे दो, नहीं एक सेकंड, नहीं 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 नहीं, सुनो सुनो, आप सुनो 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 सुनो, करेगा नहीं, होगा नहीं, ऐसा नहीं, दुनिया में होता है, मैंने आपको कहा, इतने भोले बन के हमको पागल मत समझो, बच्चे लोग करते हैं, ठीक है, और चोरी चोरी होती है, चाहे आपके घर से करे चाहे बाजू वाले के करे, लेकिन मैंने आपका एग्जाम्पल ले लिया बाजू वाले का। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर एक बच्चा बाजू वाले के घर पे चला गया, वहां से 4-5 हजार रुपया चोरी कर लेता है और साबित हो जाए कि चोरी हो गई, तो आप ये कह रहे हैं कि बेहतर तरीका यह है कि आपके बेटे का हाथ काट लेना चाहिए, ना कि ये कि उसको कोई छोटी मोटी सजा दी जाए और उसको समझाया जाए, उसको उसको सिखाया जाए कि भाई चोरी करना गलत है, आपने ये नहीं करना है ना? अच्छा, अब मेरा जवाब सुनिए सर। हाँ बोलूं मैं? हाँ, पहली बात तो जी, सऊदी में इतने अमीर लोग रहते हैं, बाजू वाले की बराबर से चोरी करने की जरूरत? फिर फालतू बात मैंने आपसे ये कहा कि चोरी करते हैं बच्चे लोग, सऊदी में भी करते रहेंगे, हिंदुस्तान में भी करते रहेंगे। अच्छा ये बताइए कि अगर गरीब मुल्क है, एक मिनट, एमडी फरमान, अगर गरीब मुल्क है तो वहां पे हाथ काटने की सजा नहीं देना चाहिए, राइट? नहीं, होनी चाहिए। तो भाई फिर ये मिसाल दे रहे हो कि सऊदी अमीर है नहीं करते, गरीब देश में भी होनी चाहिए, ताकि अगर गरीब देश है, बराबर वाले के पास में अगर एक रोटी का टुकड़ा रखा हुआ है, मान के चलो रोटी का टुकड़ा है, और वो उसके पास एक ही रोटी का टुकड़ा है, तो पहले खुद खाएगा या दूसरा चुरा के ले जाएगा? वो तो चोरी करने वाले को तो सजा मिलेगी। अच्छा, क्या इस्लाम ये कहता है कि कोई अगर जिसके पास एक रोटी है उसकी कोई रोटी चोरी कर ले तो हाथ काटना है,
अगर सामने वाले के पास करोड़ों रुपया है उसकी कोई चोरी कर ली है तो हाथ नहीं काटने, क्या ऐसा है इस्लाम में? उसके भी उसका भी काटना है जी। एग्जैक्टली, तो ये सब मिसालें क्यों देते हो कि एक रोटी चोरी कर ली, ऐसा कर ली? सजा आपकी ये नहीं है, सरकमस्टेंशियल नहीं है कि सरकमस्टेंस देख के आप करोगे। सजा सिर्फ ये है कि चोर का हाथ काट देना है, इस्लाम कहता है चोर का हाथ काट देना है, है ना? हाँ, तो सर जी, इस्लाम के कानून, इस्लाम के कानून के ऊपर बात कर रहे हो ना। छुपना यार, इतना इरिटेटिंग क्यों होते हो? एक तो सब मिसालें आप गलत देते हो, जो हकीकत है उसमें सरकमस्टेंस है ही नहीं, तो आपने यहां वहां नहीं जाना है। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि क्या ये बेहतर है कि उस बच्चे को, यानी बच्चा यानी 15-16 साल का, उसको समझाया जाए, उसकी काउंसलिंग की जाए कि आपने चोरी नहीं करना है, या उसका हाथ काट देना बेहतर है? उसका हाथ काट देना बेहतर है, वो इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। इसका सुन लिया आप सभी लोगों ने, और ये सीधा साधा मुसलमान था, ये सीधा साधा मुसलमान ऐसा है? ये मुझे अपने बच्चे को, ये अपने बच्चे को काउंसलिंग नहीं करेगा, ये कहता है बेहतर ये है कि उसके हाथ काट दिए जाए। इस तरीके से पूरे अक्सर लोग जो है, बच्चे 14-15 साल के जो कर देते हैं, वो बिना हाथ के घूमे ताकि उसकी आगे की जिंदगी पूरी बर्बाद हो जाए। बच्चे लोग लाइफ में एक आध बार तो चोरी करते ही करते हैं, तो 15-16 साल के बच्चे लोग करते हैं, और इस्लाम की नजर में 15-16 साल जो ये वो बालिग की उम्र में आ जाता है। बालिग है भाई, बालिग हो गया। किस तरीके से इनके दिमाग में अपंग लगा हुआ है। और ये थोड़ी देर पहले कर रहा था कि मैं सीधा साधा मुस्लिम हूं, और थोड़ी देर पहले कह रहा था कि नुपुर शर्मा के साथ जो हुआ वो गलत हुआ। जो एक बच्चे के 4-5 हजार चोरी करने पे जिसकी थिंकिंग ये है कि उसके हाथ काट देना चाहिए, क्या आप उससे ये बात एक्सेप्ट करेंगे कि वो ये कह रहा है कि नुपुर शर्मा के साथ हुआ जो वो गलत हुआ? ये हिपोक्रेसी नहीं है? ये डोगलापन नहीं है?